हिंद, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। इसका प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? द्विघात बहुपद x^(+7x + 10) के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आज हम पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, पहले समीकरण लिखो x^(+7x + 10)। तो यहाँ पर क्या है, हमें सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 20 वाले मध्य पद को क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। क्या हो जाएगा, x^(+5x + 7x + 10)। तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x^(5), और यहाँ क्या आ जाएगा, +2, तो x+5। ये दोनों कोष्ठक कैसे हो गए, बराबर। अब क्या लेंगे, यहाँ एक कोष्ठक इसका बन जाएगा +2, और एक कोष्ठक ये कॉमन, दोनों है यहाँ सेम, तो यहाँ x+5। अब दोनों को शून्य निकालेंगे, x+2 = 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x = पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x+5 = 0, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये दो शून्य निकल रहा है किसके, इस द्विघात समीकरण के। ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान। अभी हमने तो केवल क्या निकाला, शून्य ज्ञात किया। क्या किया, शून्य ज्ञात। इसके बाद लिखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके बाद देखो, इसका सूत्र होता है, संबंध के बीच सत्यता की जांच करने का सूत्र होता है। तो यहां पर सूत्र क्या होता है, सबसे पहले होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, α+β = -b/a। अब यहाँ b क्या है और a क्या है, तो आइए जानते हैं। इसके पहले हमें ये रफ कार्य में सॉल्व करना है जो हम करा रहे हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण हमारा क्या दिया है, यहाँ लिखो द्विघात समीकरण क्या दिया है, x^(+7x + 10)। इसको हम क्या करेंगे, x द्विघात समीकरण से हम तुलना कर लेंगे, किससे, ax^(+bx + c)। तो यहाँ देखो द्विघात समीकरण ये है, इससे तुलना करो, a का मान क्या मिलेगा, a = 1, b का मान क्या मिलेगा हमें, 7, c का मान मिलेगा हमें 10। तो यहाँ से a, b, c तीनों के मान हमें ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, वही मान यहाँ रख देना है। अल्फा का मान क्या है, -2, प्लस बीटा का मान क्या है, -5 बराबर, माइनस तो यहाँ है ही, और बी का मान क्या है, माइनस यहाँ पर, तो बी का मान 7 होगा / 1, क्योंकि ए का मान क्या है, 1, प्लस माइनस, माइनस माइनस का 2, माइनस का 5 बराबर -7। तो 5 तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो जाएगा -7। तो दोनों पक्ष क्या हो गए, किसके, शून्यकों के योगफल के दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर। अब बात आती है शून्यकों के गुणनफल की। तो यहां लिखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल α/β = c/a। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5, सी का मान क्या है, 10, और ए का मान तो पता ही है, 1 है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 × 10 बराबर 10। तो ये हो गए हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच। ये है शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। जब दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाए तो हमारे जो संबंध की सत्यता की जांच है वो सही है, और दोनों पक्ष यदि बराबर ना आए तो हमारे द्वारा किया गया सवाल और उसके द्वारा निकाले गए शून्य बिल्कुल ही गलत हैं, जिसकी संबंध की सत्यता की जांच कर रहे थे। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके शून्य। तो द्विघात समीकरण क्या है, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 4s² - 4s और प्लस का क्या है, 1।
तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्य, शून्य निकालेंगे तो मध्य पद को क्या करेंगे, विभव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए फोर एस स्क्वायर माइनस का टू एस, और क्या हो जाएगा, माइनस का टू एस प्लस का वन। अब यहाँ क्या लेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू एस, क्या जाएगा, टू एस, तो अंदर क्या बचेगा, टू एस माइनस वन बचेगा। यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, माइनस वन कॉमन, तो क्या बचेगा, टू एस माइनस वन। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट फिर सेम हो गए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में ले लो ये टू एस माइनस वन, और एक क्वेश्चन में ये ले लो टू एस माइनस वन। दोनों के शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस बराबर एक बटे दो, इसमें भी आ जाएगा एस बराबर एक बटे दो। दोनों के शून्य क्या है, समान है, ठीक है। यहाँ इसको मानो अल्फा और इसको मानना है क्या, बीटा। ये था हमारे केवल अभी शून्य, क्या थे, केवल और केवल शून्य। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम आगे द्विघात समीकरण को इससे तुलना करेंगे, किससे, समीकरण से। द्विघात समीकरण हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है हमारा, फोर एस स्क्वायर माइनस का फोर एस प्लस का वन। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, ए का मान क्या मिला हमें चार, बी का मान माइनस चार, सी का मान एक। तो सबसे पहले हम शून्यकों की अब क्या करेंगे, जांच, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। योगफल वर्ग क्या होता है, हमने बताया अभी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ अल्फा का मान क्या है आपका, हमने बताया एक बटे दो, और बीटा का मान क्या है आपका, एक बटे दो। अब माइनस जो कहते हो, बी का मान क्या है, माइनस का चार, और ए का मान क्या है आपका, एक, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो दो, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ए का मान चार है, सॉरी ना, और यहां ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दो। तो यहां पर बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस चार बटी चार। इसको जब काटोगे तो यहां भी एक आ जाएगा और यहां भी एक, तो दोनों पक्ष क्या हो गए हमारे, यहाँ किसके, शून्यकों के योगफल के दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। अब बात आती है किसकी, शून्यकों के गुणनफल की, किसकी, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटी ए। अल्फा का मान हमने क्या बताया, एक बटे दो, बीटा का मान एक बटे दो, सी का मान क्या है यहाँ पर, सी का मान है एक, और ए का मान क्या है चार। तो यहाँ पर सी का मान क्या है, एक, और ए का मान चार। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो एक बटे चार आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक बटे चार। तो ये भी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये दो जो प्रश्न हमने बताया आज के वीडियो में, ये परीक्षा की दृष्टि से 100% बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छी से तैयारी कर लेना पेपर के पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।